नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाए हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे कैप में, हैट में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझिएगा। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो इस लाइन में हम फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और दूसरी लाइन में हम सभी फंदे उल्टे बुन दिए गए हैं। अब ये मेन लाइन है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और चार फंदा सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, और पांचवें फंदे में हम एक फंदा बनाया, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और फंदा। तो पांचवें फंदे में हमने एक से तीन फंदे बनाया और छठे फंदे में वापस तीन फंदे बनाएंगे, सीधा बुना, थोड़ा सा खींचा, ऊन अपनी ओर किया और फिर इसी में एक और सीधा फंदा। तो हमने तीन फंदे बना लिए। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांचवें फंदे में सीधा बुनते हुए एक थोड़ा सा ऐसे लंबा खींचेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और। तो पांचवें फंदे में हमने एक से तीन फंदे बनाया और छठे फंदे में भी हम एक से तीन फंदे बनाएंगे। ये दूसरा डिजाइन बन गया। फिर चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पांचवे में हमें एक से तीन करना है, एक किया, थोड़ा सा खींचा, फिर ऊन अपनी ओर और फिर इसी में एक और। तो तीन फंदा बन गया। छठे में भी तीन फंदा बनाना है, एक, ऊन अपनी ओर किया और फिर इसी में एक। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में पांच फंदे बचेंगे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। शुरुआत में भी हमारे पास पांच फंदे थे और लास्ट में भी पांच फंदे ही आएंगे, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब आ जाते हैं हम रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप किया, फिर चार फंदा उल्टा, एक, दो, तीन और चार। अब देखिए, ये हमने एक से तीन किया था, वो दो फंदे हैं, पांचवा और ये छठा। तो इसे हमें बुनना नहीं है, इन दोनों को हमने बुना बुने स्किप कर दिया। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब फिर हम चार फंदा उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और इन दो फंदों को हमें स्किप कर देना है। फिर अब चार फंदा उल्टा बुनना है, फिर दो फंदा हमें स्किप करना है, फिर चार फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करना है। तो ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिजाइन का पांचवा लाइन है।
तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो और तीन। अब देखिए, अब ये जो हमने एक से तीन किया था, इसमें हम ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और पहले वाले फंदे को गिरा लेंगे और पहले वाले फंदे को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालते हुए इसे बाएं सिलाई में कर लेंगे। और अब देखिए, इसको हम ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए, ये वाला फंदा ऊपर आ गया। अब इसको हम लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना देंगे। अब हमने तीन का वापस एक कर दिया। अब जो हमने फंदा दूसरी तरफ किया था, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब या तो ऐसे पीछे की तरफ से हमने देखे इस तीन फंदों को छोड़ देंगे, पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और दूसरे वाले फंदे को पहले बुनेंगे। और अब इसमें हम देखिए, अब इसको हम ऐसे लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना देंगे। देखिए, ये वाला फंदा ऊपर की तरफ आ गया। फिर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन चार फंदों को हमें देखिए, ये साइड वाले फंदे को हमें, जो साइड वाले दोनों फंदे हैं उनको हमें इन दो फंदों के बीच में लाना है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए दाहिनी सिलाई वाला फंदा इन तीन फंदों में डालेंगे, इसको गिराएंगे और पीछे की तरफ से ऐसे उठा लेंगे। और अब बाएं सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ से डालेंगे, ऐसे पलट लेंगे। सीधा बुन लिया, अगला फंदा सीधा। अब एक दो, अब इन चार फंदों को हमें स्थान बदलना है, तो किनारे वाले दोनों फंदे इस डिजाइन वाले फंदे के बीच में आ जाएंगे। तो ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, फंदे को गिराएंगे और बैक साइड से इसे बाएं सिलाई में ले लेंगे। और अब इसे देखिए ऐसे पलट देंगे, और अब हम आ जाते हैं छठी लाइन में। और छठी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सातवीं लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और आठवीं लाइन में सभी फंदों को उल्टा। तो दो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारे डिजाइन का नाइन्थ रो है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। तो अब इन दोनों फंदों में हमें डिजाइन बनाना है, यानी एक से तीन करना है। सीधा बुना, थोड़ा सा खींचा, उन को अपनी ओर लिया और इन्हीं में एक और सीधा फंदा। तो ये हमने एक से तीन फंदे कर लिए। अब अगले फंदे में भी हमें एक से तीन करना है, एक किया, उन अपनी ओर किया और इसी में एक और फंदा। तो हमने एक से तीन फंदे कर लिए। अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब देखिए, ये बीच वाले जो दो फंदे हैं, इन्हीं दोनों में हमें डिजाइन बनाना है। तो इसमें एक से तीन करेंगे, एक, उन अपनी ओर किया, दो और तीन। अगले फंदे में भी हमें एक से तीन करना है,
एक उन अपनी ओर किया, दो और तीन। अब देखिए ये चार फंदों में डिज़ाइन बना था, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और ये जो दो बीच के फंदे हैं इन्हीं पे डिज़ाइन बनेगा, तो हमें इन पर एक से तीन करना है, एक सीधा बुनते हुए एक, फिर उन अपनी ओर किया दो, और फिर इसी में एक और सीधा बुन लिया, तो एक से तीन फंदे हो गए। नेक्स्ट फंदे में भी हमें एक से तीन करना है, सीधा बुना, उन अपनी ओर किया, और फिर इसी में एक और सीधा फंदा। अगले चार फंदे हमें, देखिए डिज़ाइन के ऊपर वाले ये चार फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो डिज़ाइन अब इन दो डिज़ाइनों के बीच में यहाँ पे पड़ेगा, तो ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया। टेंथ रो में हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये हमारे डिज़ाइन वाले फंदे हैं, तो इन्हें हमें बुनना नहीं है, इन्हें हमें स्लिप कर लेना है। और अब चार फंदा उल्टा, फिर ये दो डिज़ाइन के फंदे, इन्हें हमें बुनना नहीं है। अगले चार फंदे उल्टे, इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ग्यारहवां लाइन, और सामने से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। और देखिए अब ये जो डिज़ाइन है इसे एक फंदे के आगे लाना है, तो क्या करेंगे, ऐसे सिलाई को इसमें डालेंगे, गिराएंगे और पीछे से फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे। और अब इसको यूं ही चढ़ा दीजिए और सामने की तरफ से ऐसे लीजिए और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, और अब इसे पीछे की तरफ से हम सीधा बुनेंगे, फिर ऐसे सिलाई डाला और पीछे की तरफ से सीधा फंदा। अब दो फंदा सीधा, डिज़ाइन वाले फंदे में पहले सिलाई डालेंगे, पहले वाले फंदे को गिराएंगे, इसे पीछे से उठा के बाएं सिलाई में कर लेंगे, इसको यूं ही चढ़ा दीजिए और ऐसे सामने की तरफ से, देखिए ऐसे ऐसे हम सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे। देखिए ये चीज़ ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगला फंदा सीधा, ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे, डिज़ाइन वाले फंदे को छोड़ देंगे, पीछे वाले की तरफ से सिलाई डालेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। अब गिरा दीजिए और इसे हम बैक लूप से एक सीधा फंदा बना देंगे। दो फंदों को सीधा बुनने के बाद अब फिर हमें इन चार फंदों का जगह बदलना है, तो ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और पहले वाले फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे, और इसे वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। और देखिए दाहिने सिलाई को हम ऐसे पीछे की तरफ से लाएंगे और इसे सीधा बुनेंगे। तो ये फंदा ऐसे सीधे की तरफ से आ गया, लाइन सीधे देखे ऐसे चली गई। अगला फंदा सीधा, अब देखिए इन दोनों फंदों का भी जगह बदलना है, तो पहले पीछे की तरफ से सिलाई लाएंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे। अब देखिए इसमें हमने सिलाई डाला, ऐसे गिराया और बैक लूप से एक सीधा फंदा, दो फंदा बुनेंगे। फिर देखिए अब हमें इन चार फंदों का जगह बदलना है, तो ऐसे सिलाई डालेंगे डिज़ाइन वाले फंदे में, इसे गिराएंगे, पीछे की तरफ से बाएं सिलाई में ले लेंगे
तो ये हमारा 11वां लाइन कंप्लीट होता है रॉन्ग साइड से। 12वें लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट होता है। तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।